नमस्ते इंडिया। मैं नव्या तिवारी और मैं अनन्या तिवारी आए आपके साथ एंटरटेनमेंट शो पे। आज मैं आपके साथ एक पर्सनल बात शेयर करने जा रही हूँ। वो क्या दीदी? अपनी पापा की बातें। आप सभी जानते हैं कि मेरे पापा बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं। वो तो है। एक बार महानायक अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करते हुए मेरे पापा ने उनसे पूछा, आपके पिताजी तो कवि थे, महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन, उनके शब्दों में आप अपनी बात कैसे कहेंगे? तो उन्होंने एक कविता सुनाई जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। जो हुआ अच्छा बुरा सब झेल, कहने का समय पे एक दिन आया कि होनी हो चुकी शिक्षा और दीक्षा, तब अपनी भूल मालूम हुई शहर, जब की जाना जिंदगी सारी परीक्षा, ओ परीक्षक सब जहां है, जिंदगी तो इम्तिहादन इम्तिहा है। ये कविता मेरे पापा को बहुत पसंद है। आज मेरे पापा बहुत भावुक दिखे। जब मैंने कारण पूछा तब उन्होंने बताया महानायक अमिताभ बच्चन ने कुछ ट्वीट किया था, उन ट्वीट को पढ़कर पापा भावुक हो गए। मेरे पापा ने उस ट्वीट का जवाब भी दिया और वो ट्वीट आप भी देखिए। अपनी माँ की कोख से पैदा होते ही मुझे एक डॉक्टर ने अपनी सरपरस्त हथेलियों में संभाला। जब होश भी न संभाला था, एक नर्स ने अपने मुलायम हाथों से मुझे नहलाया, अपनी उंगली से मेरी उंगली पकड़कर एक टीचर ने मुझे आ ई उ लिखना सिखाया। मेरी सलामती हमेशा उस बस के ड्राइवर के सुरक्षित हाथों में थी जो मुझे स्कूल से लाता ले जाता था। जब मैं खाना खाता मैं निश्चिंत था कि वो मेरे खानसामा जी के भरोसेमंद हाथों से ही बना था। हमें हमेशा उन हाथों की जरूरत पड़ी है और अब भी पड़ेगी, उन भरोसेमंद हाथों की, उन सरपरस्त हथेलियों की, उन मार्गदर्शक उंगलियों की। आज हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना सर्वोपरि है और आज मैं आपसे अपने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि हमें इंसानियत से हाथ नहीं धोना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संदेहजनक नहीं होना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों से किनारा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को शर्मसार नहीं करना चाहिए। हमें जानकार होना चाहिए, हमें हमदर्द होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए, हमें इंसान होना चाहिए, हमें इंसान होना चाहिए। इंसानियत की तरफ एक कदम आप भी बढ़ाएं। हमें कोरोना से डरना नहीं, उसे डराना है, घर में रहकर उसे भगाना है। तो चलिए अब टाइम हो गया हमारे लकी विनर चूज करने का। नंबर वन। सो नंबर दो, नंबर वन जीता है मिस्टर सुनील मंत्री ने। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।